आप भी चलो, बस चलो। दो दो पोते हैं तो बैठा के ले जाएंगे हमें। इनसे भी ज्यादा शरारती। एरोप्लेन उतार रखे भाई, मुठल में भी हवाई अड्डा है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस पी टी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी भाई बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई आज अपना लद्दाख साइकिल राइड का दूसरा दिन, कल पहुंच चुके थे हम संदीप के घर में और अभी यहां से अपना जो आगे का सफ़र है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रही अपनी साइकिल, इस पर झंडा लगाना बाकी है। झंडा मैंने उतार दिया था कल। तो ये साइकिल हमने रात को यहीं खड़ी करी, सामान खोला नहीं कुछ भी, बट हाँ कपड़े निकाल लिए थे इसमें से। और ये है माता जी, चले माता जी आप भी चलो, दो दो पोते हैं तो बैठा के ले जाएंगे हमें, इतना तो कर ही लेंगे। चलो ठीक है जी, आशीर्वाद दो। ये बात, चलो जी आशीर्वाद बड़ों का लेते हुए आगे बढ़ते रहो। और एक आपको मैं देखो किसी से मिलवाता हूँ, ये देखो ये डोली, इनका नाम है डोली। हेलो, हाथ मिलो, हेलो कर दे, हेलो 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 करो ना, नहीं करते नाराज हैं। अभी बहुत प्यारी है, मतलब जर्मन से पड़ा आपने देखा होगा ना, ज़्यादातर ऐसे काटने वाले होते हैं भाई, कुछ नहीं बोलते। देखो मैं बाहर का हूँ फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, बहुत प्यारे हैं। और इनका इनके बेटे से भी आपको मिलवाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा मतलब शरारती, इसको बांध के रखना पड़ता है, बाकी ये तो एकदम शरीफ है। और इनसे भी ज्यादा शरारती ये रहा। जय भोले, जय भोले, जय शंकर, जय शंकर। राइड स्टार्ट करें, बहुत दिन लगा, कैसा लगा? मेरी पहली राइड शुरू। और ये देखो मेरा सेटअप, इसका सेटअप देखो भाई सही में इसका सेटअप इतना खतरनाक कर रखे, आगे भी बोर्ड वोर्ड लगा रखे हैं, कैरियल आगे लगवा रखे हैं, ये मुड़वाए थे ना। इसका सेटअप देख के तो ऐसा लग रहा है मैंने क्या करवाया, कुछ नहीं करवाया पूरा एकदम। साइकिल सामान बहुत ज़्यादा तेरे पास यार। और ये जो QR कोड है ना, इस पर कुछ नहीं करना, जो मेरे पे QR कोड लग रहा है उस पर करना है, ठीक है ना। चला गया मेरे ही चला गया तो सही है भाई, इसने सेटअप कर लिया, निकले भाई। और आज भी है ना, निकलते निकलते टाइम में 11 बज गए, कल 11:30 निकला था मैं, आज 11 बज गए। लेट कराता भाई ये, बहुत ज़्यादा लेट कराता है। पहला दिन है कोई? हाँ पहला दिन है, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, चलो जी निकलते हैं, चलो बाय। चलिए जी निकल चुकी है सवारी, दूसरे दिन की अपनी जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है, करते हैं वही स्टार्ट। जय भोले, जय शंकर, मम्मी ध्यान रखना, रक्षा करना। ये है अपना मित्र, ये हम, हाँ भैया लिए गांव में ना, गांव वाले रोकेंगे रोकेंगे, दोस्त यार जो हैं कहीं ना कहीं जाने ना देंगे एकदम से, तो रुकते रुकते जाएंगे, मिलते मिलते जाएंगे। लो जी आ गए भाई हाईवे पे, गांव में एक दो जगह लोगों ने रोका, पूछते हैं वो नॉर्मल सी बात है, गांव से किसी भी गांव से लोग जाते हैं ना, मतलब तो कोई भी भाई बंदा भाई ऐसे अलग सी एक्टिविटी करने के लिए जाता है जिससे गांव का नाम भाई रोशन होना, तो लोग रोकते हैं। तो फिर हमें दो तीन जगह पे रोका, पूछा कहाँ जा रहे हो, भाई के जानकार थे दोस्त लोग थे, बाकी अभी हाईवे पर चढ़ गए हैं भाई। गाँव में निकल रहे थे ना तब ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, जैसे हाईवे चढ़े हैं ऐसा लग रहा है गर्मी ही गर्मी है और कुछ है ही नहीं। है भाई गांव में नहीं लग रहा था यार, घर पे बैठे थे तब भी बाहर धूप में गर्मी लग नहीं रही थी, यहाँ आते तो गर्मी लगने लगी है। और ये जो होटल वगैरह देख रहे हो ना आप, आपको पता ही होगा मुठल में होटल जो है वो फेमस है काफ़ी ज़्यादा। तो आगे सुखदेव आएगा और धर्मेंद्र जी का ढाबा जो है गरम धर्म के नाम से ढाबा है, वो सब इसी रूट पर पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड में आएंगे, दिखाएंगे आपको आगे चल के। ये देखो भाई सामने देख रहे हो आप, एरोप्लेन उतार रखी है भाई, मुठल में भी हवाई अड्डा है। मेरे भाई होटल है इसके, जो एरोप्लेन बने हैं ना इनके अंदर बैठ के लोग खाना खाते हैं भाई, एकदम पूरी असली वाली जो एरोप्लेन होती है ना वैसी लग रही है, गजब है यार, बहुत महंगा भी होगा जितना गजब है ना, मस्त लग रहा देखने में। तूने खाया था कभी यहाँ पे खाना? नए साल पे आया, एंट्री ना मिली, इतनी भीड़ रहती है, महंगा भी होता होगा ना। एंट्री के 200 अलग से, भाई साहब खाने का तो अलग से है, मस्त लग रहा है वैसे यार भाई एक नंबर, कभी खाएंगे यार, अपना भी टाइम आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, हैं एक जहाज अपनी हो जाएगी इसमें से, पार्टनरशिप कर लेंगे, एक जहाज अपनी है। ये है भाई सबसे फेमस ढाबा मुठल का जो आप देख रहे हैं ना सामने, अमृत सुखदेव सबसे फेमस ढाबा है। मेरे को याद है आज से 5-6 साल पहले जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता ना, तो रात में भाई हम सब दोस्त लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं, और इसी के साथ में है सामने देखोगे ना आप ऊपर की तरफ लिखा हुआ है गरम धर्म, ये धर्मेंद्र जी का ढाबा, अंदर बाइक वगैरह भी खड़ी हुई है ये वाला, ये है भाई इसमें बाइक जो शोले मूवी में बाइक थी ना वो एज इट इज़ यहाँ पे खड़ी हुई है, अब तो खैर लाइटें वाइटें टूट गई उसकी। और ये
शोले वाली टंकी देख लो भाई। तो ये दो यहाँ के मतलब फेमस हैं, जो भी लोग ज़्यादातर लोग जो दूसरे मतलब शौक की वजह से जो आते हैं ना, एक नाम की वजह से, वो इनमें आते हैं भाई। परांठे बहुत फेमस है अमृत सुखदेव के, एक परांठा आपका पेट भर देगा पूरा और बच ही जाएगा, मतलब इतना बड़ा परांठा मिलता है। और इन ढाबों की वजह से ना मूर्थल फेमस भी है, लोग मतलब पूछते हैं ना मूर्थल, तो मूर्थल वही ढाबों वाला ऐसे भी जाना जाता है मूर्थल। टाइम हो गया दोपहर के 2:30 और सुबह के चले हुए, अब जाके ना रुके हैं और हाल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो 1 किलोमीटर चलते हैं तो ऐसा लगे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, खड़े हुए ऐसे लग रहा है। और लगभग 20-22 किलोमीटर इससे ज़्यादा कवर नहीं किया होगा हमने सुबह से, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, पसीने आप देख ही रहो शक्ल पे, 12 बजे में बुरा हाल है। तेरे क्या हाल है भाई, आज पहला दिन है? मुँह लाल हो रहा है। एक चीज़ है शर्माहट मारता भाई गर्मी की वजह से ना, अभी मुँह लाल हो रहा है कुछ और भी समझदार है पब्लिक। तो भाई हालत ज़्यादा ही ख़राब है, एक तो सामने की हवा चल रही है ना, हवा तो लग रही है मतलब पसीने इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, बट धूप जो सर पे गिर रही है ना उसकी वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। बाकी ठीक है, रुके हैं एक दुकान पे, यहाँ पे भाई समोसे वगैरह मिल रहे हैं, ब्रेड वगैरह, सोच रहे हैं ये कुछ खा लेते हैं। वैसे घर से रोटी भी लेके आए बट वो भी सोच रहे हैं ना खाएँ, कोई बात नहीं, शाम को भूख लगेगी ना तो उस टाइम पर कुछ खा लेंगे। और लस्सी लाए थे घर से, वो जो गर्म चाय होती है ना बनाते हैं गर्म गर्म, उससे ज़्यादा गर्म होगी, कह रहा भाई फ्रिज लेके चलते हैं साथ में ना, आज देखनी पड़ेगी तड़की नहीं पाओगी। रात में तो एक दो घंटे में तो ना होनी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा, मैंने निकाली मैं सोचा पीता हूँ भाई गर्म है एकदम, कोई नहीं पानी पीते हैं ठंडा और करते हैं इंजॉय पानी के साथ इंजॉय। उधर खड़ी है भाई रोड पे अपनी जो साइकिल है ना, वो साइकिल ये अपनी है वो भाई की है, भाई अपनी साइकिल का कुछ नामकरण करो यार, आप ही सजेशन करो क्या नाम रखें। झंडा ले रहा है भाई अपने देश का, बहुत ही प्यारा। अंकल जी दे रहे हैं समोसे, ये भाई हरी चटनी के साथ में लिए हैं 15 का, एक है अगर छोले के साथ लेते हैं तो 30 का। अंकल जी 30 का ना छोले के साथ में, दुकान बड़ी है तुम्हारी, बहुत मेहनत कर रहे हो बंदे। धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू। क्या बात है अंकल जी, बोल रहे थे आपके लिए फ्री है भाई, धन्यवाद जी, थैंक यू। तो भाई अभी वहाँ पे ना हमने चाय पी थी और समोसे खाए थे, तो अंकल ने बोला कि पैसे वैसे मत देना, तो उन्होंने अपनी तरफ से खिला दिए थे। हम वैसे रुके थे खाने के लिए पैसे दे के, बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं खाओ बेटा इतनी मेहनत कर रहे हो। फिर थोड़े से आगे निकले तो जस्ट मैं मतलब चल चलते देखा कि पेड़ लगे हुए ना, अमरूद के पेड़ है बहुत सारे और अंदर है ना अमरूद लगे हुए हैं। ये भाई आया, इन्होंने मतलब ये बेचते हैं यहाँ पे अमरूद तोड़ तोड़ के, तो अपने को 2-3 अमरूद दिया, 2 ही लिए भाई ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी खाना खा लिया है, एक इसमें रख लिया भाई, ज़्यादा इसलिए लेना, एक अपने खा लेंगे अभी और एक थोड़ी देर बाद में खा लेंगे, फिर शाम हो जाएगी तब तक। दुकान लगा रखी है भाई, कह रहा पानी भी पी के जाओ, भाई पानी पिएगा, ठंडा ठंडा पानी है पी ले, कोई ना बोतल है भाई, वैसे ले वैसे ले, वैसे ही पी लेंगे, गिलास मत खराब करो भाई, पानी भी पिला रहा है, हेल्प कर देते हैं ना लोग ना, आज तो जहाँ रुक रहे हैं वहाँ हेल्प हेल्प हो रही है, क्या चक्कर है हरियाणा साथ, हाँ हरियाणा सही कह दी। सो गाइस आज की राइड के 40 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं पानीपत, आप जो ये सीढ़ी देख रहे हो नीचे की तरफ, ये पूरी पानीपत सीढ़ी है, हम जा रहे हैं भाई ऊपर ऊपर पुल से, क्योंकि नीचे जाते हैं ना ट्रैफिक आपको देखो दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता तो वहीं फंस जाते, इतना था नहीं अंदर सिटी में काम था नहीं कुछ, इसलिए हम ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। और हवा तो आप देख रहे हो पीछे देख रहे हो, ठंडा कितनी तेज तेज हिल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो चला ही नहीं पा रहे हैं, 5 की स्पीड से चल रही है, देखो साइकिल कितनी धीरे धीरे, बस और बस सिर्फ हवा की वजह से, मतलब सामने की हवा रोके जा रही है हमें, कैसे होगा रे बाबा। जो पिछले साल प्रॉब्लम आई थी चलाने में साइकिल, वो सारी प्रॉब्लम इस बार फिर से आ रही है। बाबा जी थोड़ी तेज चलाइए ना, हवा हवा चलाने ना दे रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा। भाई रास्ते से जा जाते अपने को एक अजीबोगरीब चीज़ दिखी है भाई, वो देखो सामने दिख रहा है आपको भाई, उसका ना नाम नहीं पता मतलब क्यों बना होता है, किस चीज़ के लिए बना होता है ये भी नहीं पता मेरे को भाई, किसी को पता हो ना बताना जरूर, वो किस लिए बनाए जाते हैं, मतलब है तो भाई पुराने टाइम के, बहुत पुराने टाइम के, मुगलों के टाइम के लग रहे हैं मेरे को, बट ये क्यों बनाए जाते थे ये अगर किसी को आइडिया हो ना बताना, हो सकता है यार उस टाइम के जो वो रहते थे ना
पानी वाले शायद उसके लिए भी हो सकता है ना, तो वैसे भी लग रहा है। तो किसी को पता हो ना बताना यार किसी के लिए, मतलब बहुत सारे आगे पीछे भी थे कुछ, और इस तरफ आगे की तरफ भी हमें ये दिखाते यहाँ रुके हुए थे। तो भाई पहुँच गए थे हम करनाल, और यहाँ पे ना गुरुद्वारा है निर्मल कुटिया करके, तो वहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं भाई। 24 आवर ओपन रहता है। तो इधर हम पहुँच गए थे, पहुँच तो मतलब काफ़ी टाइम पहले गया था मैं, अभी तो लगभग रात के 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे आए, रुके, खाना वाना खाया, और भाई यहाँ पे रुके ना तो जब पता चला जो कमेटी वाले लोग हैं ना, तो उन्होंने अपने को भाई घी वाला दूध दिया। भाई ये पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, मतलब ऊपर घी आ रहा था पूरा पूरा, फिर भी हमने जैसे से उसको पिया तो थोड़ी थकावट उससे दूर होती है भाई। वैसे आज तक थके तो बहुत ही ज़्यादा थे, लगभग 75 से 80 किलोमीटर का आज का अपना सफ़र रहा था पूरा। थकावट हुई भाई, बट फिर भी हम धीरे धीरे पहुँच गए। तो भाई कल का जो अपना टारगेट रहेगा ना थोड़ा लंबा रहेगा, तो सुबह हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे। इस तरफ सामने भाई पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे हमने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है। चलिए जी करते हैं वीडियो का एंड। गाइस वीडियो आपने अंदर देखा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय बोलना, बाय बाय। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान, हिसाब दे दे दस।